वहाँ के जाके रिपोर्टिंग करने लगे तो लोग कहेगा आप नहीं गाँव का दिखा रहे, हालांकि एक बार दिखाए थे लेकिन तब एक सामान्य रिपोर्टर था, बहुत मुश्किल है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत चीज सोच। सर घर वाले पूछते हैं कि संडे सैटरडे को नहीं आते रवीत जी, उनका जो विश्वास बना वो टूट जाएगा। सर एक क्वेश्चन, लगभग 5,000 का ये था तादाद हम लोग रनिंग स्टाफ का, लेकिन कोई रिपोर्टिंग करने कोई नहीं आया जी सर, तभी तो कहता हूँ टीवी मत देखो। नहीं, आपका तो देखते हैं। मैं तो नौकरी करता हूँ, मुझे देखना चाहिए। आपको क्या मिल रहा है? आपको तो आपकी समस्या का कवरेज भी नहीं मिल रहा, आप NTS वाला भी कवरेज किए, प्राइम टाइम में दिखाए, कितना दिखा सकते हैं बताइए? सबका दिखाए, सबका तो नहीं दिखा सकते, लेकिन सबको ही दिखाता तो उसका कितना असर है ना? वो नहीं करेंगे, उनको आपसे मतलब नहीं। और रेल रुकेगा तो कितना मतलब तहलका मचेगा। कुछ भी कर लें आप, उनको नहीं दिखाएंगे। हम लोग का तो पता नहीं, टेलीविजन ने क्या किया ना, वो एक जन विरोधी तो है ही, और जनता के बीच से ही मतलब एक विरोधी वर्ग बना दिया कि तुमको जनता का विरोध करना, जनता ही जनता के खिलाफ हाँ। तो अभी आप जैसे कहे तो कहेगा अच्छा देखिए, नहीं सर हम लोग से वोट मिलेगा कि नहीं सर बीजेपी को, उसको फर्क नहीं पड़ता, नहीं मिलेगा। इतना इतना तादाद है, 13 लाख जनसंख्या है, वोट नहीं चाहिए उसको, दूसरे लोग वोट दे देंगे आपको। जी वो दूसरा लोग, आपको पता ही नहीं होगा आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, ये तो पता कर लीजिए सर, रोस्टर पे भी चेक कर लो। हाँ, ये 4 लोग जागरूक तो हुए हैं कि सबका कैसे 13 लाख इकट्ठे कर लेंगे। सर इतना हंगामा हो रहा 13 पॉइंट रोस्टर पर, लेकिन कोई नहीं दिखा रहा। सर हमने तो दिखाया है सर, इसका कवरेज दिखाइए। आज का हम लोग वीडियो भेजते हैं सर, आप लोगों को पायलट भी। अब तो हम आज छुट्टी पे थे तो हम आए हैं। हाँ सर, छुट्टी की वजह से घर वाले पूछते हैं कि संडे सैटरडे को नहीं आते रवीत जी। 5 दिन आए, 7 दिन संभव है, मतलब ये नहीं है कि कर रहे हैं तो सब चीज हम ही कर देंगे यार। सर लोग का लग रहा है सारा बोझा सर आप जैसे रेलवे का एक्सपर्ट आता होगा पैनल में तो पूछते होंगे ना कि जैसे हर स्टाफ का TA आप बढ़ा दिए हैं भाई, तो आप रनिंग स्टाफ को रेल मंत्री को अगर आप 13 लाख आप बताते हो, 13 लाख अगर मैं नेता होता तो मैं ऐसे ही डर जाता कि खाली पीले यार। नहीं सर, जैसे आप डिबेट में, 1000 भी कम थोड़ी है सर, डिबेट में सर पूछते होंगे कि हर स्टाफ का TA बढ़ा दिए हैं। मेरे प्रोग्राम में तो अब MP लोग आता नहीं, सर वो आता है शिवगोपाल मिश्रा जी तो आते हैं, हम देखे हैं शिवगोपाल मिश्रा, तो वो आकर के हम लोग अभी M रघवैया है वो भाषणबाजी कर दिए कि हमने दिला रहे हैं, लेकिन वो आप डिबेट में थोड़ा पूछिएगा कि कहाँ दिलाते हैं। 3 साल बीत गए, काफी तनाव में सब लोग। अरे वो तो भयानक था, वो तो जो तनाव का एक आध ड्राइवर से पूछे लोगों पायलट से की जाए बताना किस किस तरह की बीमारी होती है, पूरा लिख के दिया, मेरी तो हालत खराब हो रहा है हर साल तादाद में, मतलब तरह तरह का बीमारी। तो आप जनता ही ना, जनता के मुद्दे के प्रति संवेदनशील नहीं है तो मजा है। तो जैसे वो क्या करता है ना कि जैसे एक झुंड में इतना सारा है, मान लीजिए यहाँ का नाराज है, वहाँ का भूजा खराब है, तो यहाँ का भूजा खा लेता है, छोड़ देता है, हाँ। और फिर यहाँ का छोड़ के आपको ले आके यहाँ का भूजा खा लेगा, इसको छोड़ देगा, वो यही करता रहता है 12 साल। 100 से 200 किलोमीटर की बात सोच रहे हैं। हम लोगों से नेता बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, मान के चलना चाहिए। आप डिबेट में उसको नोचते हैं ना, उसको जब आप खाल उतारते हैं सर। अम्बेडकर गवर्नमेंट स्कूल और अच्छा रामलाल तो बहुत नाम तो आपका मैंने देखा है, रेलवे के ऊपर भी आपने काफी अच्छा मैंने खुद भी देखा था, और बैंक के ऊपर भी आपने सरकार है आपका सर के बारे में क्या हो रहा है, क्योंकि आप जो बात है ना सर, 6 साल हो गए बोलते भी नहीं सर, मीडिया वाले लोग दूसरा चैनल पे बात उठाता ही नहीं है धीरे धीरे सर। आप राज आप सही बात बता रहे हैं, सही बात बिल्कुल, इसलिए हम लोग आपको घेरे हुए आएंगे, खड़ा हुई नहीं आप भाई से भी मुरैना से भी होते तो भी समस्या तो भयानक है भाई। सर इसका आवाज तो कहीं पहुंच नहीं रही है मेरी, सर पहुँचती है सर, आपने पहुँची है क्योंकि आप पीड़ित वर्ग हैं, आपका दिखाया तो आप खोज के देख लिए, दूसरा नहीं देखा सर। ऐसा है सर, हम लोग भी डेटा देखते रहते हैं, छुप छुप के देखता है सर, वो छुप के देखता है, बाहर में बताता नहीं कि मैंने रेंटी टीवी देखा, हम लोग को पता रहता है, मतलब लोग इसलिए भी जानता है कि 20 साल से टीवी पे है तो लोग जान रहे थे, जरूरी नहीं कि आज जो कर रहे हैं उसकी वजह से जान रहे हैं, तो लोग जान रहा है वही, कितना लोग टीवी पे 10 ही आदमी ना टीवी पे है तो उसको जानता है 10 आदमी को, वो कोई पैमाना नहीं है कि लोग हमको पहचानता है या जानता है, उसको भी बहुत पहचानता है, ऐसा बात नहीं है। इस माहौल में आप सब बात बता रहे हैं, लेकिन चौक चौराहे देहात तक ये बात
बात समझ में आई है आपकी नाम और आपकी चैनल कि यही चैनल जो है बोले वोट खरीदे। हम बोल रहे हैं ये सच्चाई है, NDTV में प्राइम टाइम जो होता है जमीन से जुड़ा जो कोई सोच नहीं सकता है जो हम भी काफी सीखे हैं इतना तरह का समस्या जाने छोटी छोटी बात, लेकिन हम यही सोचते हैं कि वो असर क्यों नहीं पड़ा। पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं तो मैं ये सोचता हूं कि ये दिखाने का असर क्यों नहीं पड़ता लोगों का। सर YouTube पे प्राइम टाइम आपका इतना चलता है 10 मिनट, आप सारा नौकरी सीरीज वाला देखिए चलता है कि नहीं, थोड़ा अध्ययन कीजिए पता चलेगा। नहीं नहीं सर देखिएगा भी चलता है, इसलिए देते हैं कि आपका चैनल आए आपको नहीं हमें। सर एक चीज और है सर, चैनल जैसे एबीपी वगैरह फ्री में आता है बात आपको चाहिए ना, अब हम लोग का तो ऐड भी नहीं है, वो फ्री में जाए तो चलेगा कैसे? ऐसे ही चला रहे हैं अकेले। सर पूरा देश शोक में डूबा हुआ और मोदी जी सर रैली कर रहे हैं बिहार में सर। नमस्ते नमस्ते, चलिए नहीं होंगे ना हम लोग पर। ये क्या है कि टीवी के स्ट्रक्चर में हम जैसे लोग नहीं होते, बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है और कोई टीवी चैनल अफोर्ड नहीं कर सकता हम जैसे लोग, आप ही हम जैसे लोग नहीं होंगे टीवी में, अब वो भूल जाइए। सर एक मिनट सर 10-12 साल से तो हम लोग खुद टीवी को पब्लिक क्रिटिसाइज करते हैं, टीवी में काम करते हैं, टीवी में गिरावट ही देखो, उसका स्ट्रक्चर ऐसा, उसका 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 इस्तेमाल वो लोग बेहतर करते हैं, वो उनका सामान है ताकतवर लोग, आपका सामान नहीं है। लोग बदल सकते हैं, लोग बदल के कहीं और जा सकते हैं, लेकिन टीवी आप लोगों का नहीं होगा कभी भी नहीं, जो मुझे समझ में आया। अब 100 साल बाद बदल जाए तो उसकी कौन बात, मैं वैसी कोई लड़ाई में शामिल नहीं हूँ जिसका रिजल्ट 200 साल बाद आए, बस मेरा पेशेंस थोड़ा कम है, 2 साल के भीतर रिजल्ट देखना चाहते हैं। देखिए आप लोग अब देख लीजिए, अब आप लोग बात नहीं संभाल पाए, आप नहीं संभाल अलग अलग है उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो देखना है बहुत अच्छा घर में गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता ही है गांधीवादी तरीके से आपको रोकने में जो अभी आपने अभी हाल ही में रिपोर्ट बनाई थी 13 पॉइंट पोस्टर सिस्टम पर, वो सरकार उस पर पूरी तरह से काम क्यों नहीं कर पा रही है? तो ये सरकार काम नहीं कर रही, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप मुझे सरकार बना दो, आप मुझे बना दो सरकार। सरकार को भरोसा है कि आपके अंदर एक कोई हिंदू कुंठा है, कोई मुसलमानों के प्रति नफरत है, या कोई मुसलमान है तो उसके प्रति कोई हिंदुओं में कोई नफरत है, तो हिंदू मुस्लिम का मैच कराती है सरकार, तो मैच कीजिए, उसी में चुनाव हो जाता है। भाई चुनाव होता है, लोग कहते हैं पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी तो चुनाव बदल जाएगा, क्यों ये बात कहते हैं? ये कहो ना कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा या भारत की कुछ स्थितियां बदल जाएंगी, इसका चुनाव से क्यों लेना देना होना चाहिए? तो जब अगर चुनाव भावनात्मक मुद्दों से होगा तो फिर क्या बात करना गुरु जी? लेकिन सर एक जो अभी जम्मू कश्मीर सब अपनी टीवी पर अलग अलग तरह की सूचना दे रहे हैं, हाँ। और कारण क्या है कि देश के बॉर्डर से अंदर ही जम्मू कश्मीर में 200 से 300 किलो RDX आ जाता है, लेकिन इस पर पाकिस्तान को भी जिम्मेदार ठहरा है आतंकवादी, हाँ। तो इसमें कहाँ तक राजनीति इन्वॉल्व है? राजनीति जो बाहर होती है उसके पहले हमारी जो सुरक्षा तैयारियाँ हैं, उसके बाद भी कोई आतंकवादी हो तो कुछ भी कर सकता है, आप जितना भी चाक चौबंद रहे है ना, तो वो लड़ाई है, कांस्टेंट लड़ाई है, कभी आप जीतते हैं उससे आतंकवाद से, कभी आप हारते हैं, तो ये टसल चलता रहता है। पॉलिटिक्स का अलग डोमेन है, मीडिया का है, मीडिया को सवाल उसको साफ साफ पूछना चाहिए था कि भाई आप ये कैसे हो गया, वो नहीं पूछेगा। अगर आप अभी भी ये उम्मीद करके टीवी देखते हैं कि मीडिया देखता है, तो मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, मैं बस यही अपील करता हूं कि जो 400 रुपये आप चैनल वाले को देते हैं आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं घूमूं फिरूं उसको उड़ाऊं, है ना। अगर आप उस 500 रुपये का आप यूटिलाइज अपने बेहतरी के लिए नहीं कर सकते तो मुझे दे दीजिए, मैं विदेश यात्राएं करूंगा, भारत घूमूंगा उस पैसे से, 500 रुपये मुझे दे दीजिए, चैनल को क्यों दे रहे हैं? हाँ
अब मुझे चलना पड़ेगा। सर आप देख रहे हैं आप लोग लौट एजुकेशन से जुड़ा हुआ सवाल है सर, यूपी थोड़ा लौट जाइए आप लोग, आप लोग लौट जाइए प्लीज। नहीं नहीं पीछे पीछे मत जाइए, हम बात कर रहे हैं सारे लोगों पायलट से बात कर रहे हैं, आप पीछे पीछे लौट जाइए। सर यूपी में क्या था सर, जो जितनी भी यूनिवर्सिटी थी अभी अभी ये सब छोड़ दीजिए सर, अभी छोड़ दीजिए सर, तो उनमें क्या था स्कॉलरशिप आती थी सर 2013 से जब मायावती की वहाँ गवर्नमेंट रही थी 12 में सर 11 में, तो वहाँ जो एससी एसटी के जो जितने भी स्टूडेंट अभी ओबीसी को भी ये स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, तो सर उनको वो फ्री मतलब स्टडी होती थी, लेकिन वो कुछ सर उनकी स्कॉलरशिप रोक ली गई है सर। पता है मुझे पता सर, उस पे तो बच्चे कहते हैं कि रवि जी से बोलिए सर हमारी एक बार बात उठाए सर, उनकी डिग्री तक उन्होंने रोक ली। और आपके प्रकाश जावड़ेकर कोई भी बात उठाने से कुर्सी से नहीं उठते हैं, क्या करें वैसे सर, शिक्षा मंत्री हैं कि क्या बताया जाए। सर मैं भी एक सवाल किया था, चुनावी स्टैंड था गोधरा खान, तो क्या पुलवामा भी ऐसे साफ साफ कैसे कर दीजिएगा, इतना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं चलाना चाहिए जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं हो। नहीं सर ये नहीं, आवाज उठ सकती है पर ऑफिशियली बोलने में अंतर है, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चलती हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, कोई सबूत हो कोई ये हो, एक ऑफिशियल मीडिया पे आप कहेंगे यार ये चुनाव के लिए हो गया यार उसके लिए हो गया, तो ऐसे बात नहीं करना चाहिए। गृह मंत्रालय से लेटर रिलीज, जो सवाल है आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा एक निष्कर्ष लेके उस पर सवाल करने लगेंगे। पुलवामा पे सर जी, रवीश भैया थोड़ा पुलवामा पे बोल दीजिए, अटैक जो हुआ है बहुत गलत हुआ, थोड़ा सा बोलिए ना दो मिनट भैया, बहुत गलत हुआ है, इधर घूम के भैया इधर घूम के बोलिए। नहीं नहीं हम जा रहे हैं सर, एक मिनट। सर जी मैं जा रहा हूँ।